नमस्कारोस्तु प्रिय दर्शकाः, संस्कृत ज्ञानसागरे दर्शक स्नेह संपोषितं नौ दण्डमादाय निर्बाधम् अग्रे सरन्तीयं वार्तावली उपस्थितास्ति भवतां समीक्षां मनोविनोदनाय। ताञ्चादाय उपस्थितोऽस्मि अहं गवीश द्विवेदी। अहं चास्मि ऋचा। गवीश, संस्कृतसागरे अस्मिन् नयनाभिरामाणि नानाविधमहार्घरत्नानि विद्यन्ते, तेषु चैव नीतिबोधपराणां सुभाषितानाम् अस्ति अतिविशिष्टस्थानम्। अयि दर्शकाः, अद्यतने सुभाषिते को हि बोधो वर्तते तावत् जानीमः। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः, वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा। सौ लोगों में एक सच्चा शूर पैदा होता है, हजार लोगों में एक विद्वान पैदा होता है, 10,000 लोगों में एक आचरणशील वक्ता पैदा होता है, और सच्चा उदारदाता कोई विरला ही पैदा होता है। One in 100 is a real brave. One in 10,000 is an effective speaker. But it is even rarer to find a real generous person. Satyam. दानोपभोग रहिताः दिवसाः यस्य यान्ति वै स लोहकार भस्रेव श्वसन्नपि न जीवति। तर्हि गुणावधारणेन सहैव शौर्य पाण्डित्य वाक्पटुत्व दातृत्व ख्यापनीनां बहुविध वैश्विक घटनानां परिज्ञानाय प्रयामः प्रवाही वार्ताक्रमं प्रति। रामनाथ कोविन्दः देशस्य चतुर्दश राष्ट्रपतित्वेन प्रतिश्रावितः। संसद्भवनस्य केन्द्रीयसभागारे एकस्मिन् समारोहे सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रधानन्यायाधीशेन JS खेहरेण तस्मै शपथविधिः कारितः। संसदः सदनद्वयस्य सदस्यानाम् उपस्थितौ शपथग्रहणस्य अनन्तरं भाषमाणेन राष्ट्रपतिना विनम्रतापूर्वकं निजकृतज्ञता अभिव्यक्ता। बिहारे नीतीशकुमारः भाजपा सहयोगेन पुनः मुख्यमन्त्री संवृत्तः। राज्यपालेन केसरीनाथ त्रिपाठिना नीतीशकुमारः मुख्यमन्त्रित्वेन प्रतिज्ञापितः। तेन च बिहार विधानसभायां NDA संयुतेः सहयोगेन निज बहुमतं प्रमाणितम्। राष्ट्रिय जनता दले भ्रष्टाचारस्य आरोपकारणात् नीतीशकुमारेण सम्बन्ध त्रोटितः। भाजपाध्यक्षः अमितशाहः, केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री स्मृति ईरानी च गुजरातस्य गान्धीनगरे राज्यसभाया निर्वाचनाय नामाङ्कने पञ्जीकृतवन्तौ। सममेव गुजराते कांग्रेस संकटम् अतोऽपि गहनायते। कांग्रेस दलस्य प्रायः पञ्च विधायकैः विधानसभातः त्यागपत्रं प्रदत्तम्। पाकिस्ताने पनामा पत्र प्रकरणे तत्र सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयानन्तरं प्रधानमन्त्री नवाज शरीफः त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। तत्रत्य सर्वोच्च न्यायालयेन NAB समादिष्टं यत् तत्सप्ताहद्वये नवाज शरीफं विरुध्य तस्य परिवारं विरुध्य च प्रकरणं पञ्जीकुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्राक्तन राष्ट्रपतेः APJ अब्दुल कलामस्य द्वितीय पुण्यतिथेर अवसरे रामेश्वरम स्थले तस्य स्मारकमेकम् उद्घाटयत्। रामेश्वरम नगरं ज्ञानपुञ्जत्वेन प्रतिपाद्य प्रधानमन्त्री प्राह यत् डॉक्टर कलामः रामेश्वरम नगरस्य सारल्य प्रतीकभूतः आसीत्। ततोऽनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा रामेश्वरम अयोध्या द्रुतगामी रेलयानं हरितध्वज प्रदर्श्य गमनाय अनुमोदितम्। अतिवृष्टिकारणेन देशस्य नानाभागेषु जलविप्लवस्थितिः जायते। गुजराते कतिपयस्थलेषु जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। जनोद्धारकार्यार्थं सैन्यबलं राष्ट्रिय विपत्प्रतिकारबलं च विनियोजिते स्तः। प्रधानमन्त्रिणा गुजरातस्य जलपूरप्रभावितक्षेत्राणां सर्वेक्षणं कृतं, स्थिते समाधानाय च 500 कोटिरूप्यकाणां साहाय्यम् उद्घोषितम्। इसरो संस्थायाः प्राक्तनाध्यक्षः प्रोफेसर UR रावः वयसः 85 वर्षे निधनं गतः। UR रावः गतशताब्दे 84 तः 94 वर्षावधौ इसरो संस्थायाः अध्यक्षः अवर्तत। देशस्य सुख्यातो वैज्ञानिकः शिक्षाविच्च प्रोफेसर यशपालः 91 वर्षे निधनम् उपगतः। गतशताब्दीये 76 वर्षे असौ पद्मभूषण सम्मानेन, 13-2000 वर्षे च पद्मविभूषण सम्मानेन सभाजितः आसीत्। गवीश, वार्ता जगति अनेकविध घटनानां संसूचने संस्कृतस्य प्रवाहिधारा नितान्त संतोषकरी लक्ष्यते। सत्यं, संस्कृतं हि धर्म जाति लिंगादि भेदान् अपरिगणय्य निःशेष मानुजस्य भाषा वर्तते।
प्रियदर्शकाः, इदमेव च तथ्यं प्रमाणीक्रियते अस्माकम् अद्यतन अतिथिवर्येण डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री वर्येण। साम्प्रदायिक सौहार्द सामञ्जस्यार्थं नवाधिक द्विसहस्रतमे वर्षे राष्ट्रीय पुरस्कारेण बहुमानितः संस्कृत विद्वान् अस्ति डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री। संस्कृत विषयम् अवलम्ब्य स्नातकोत्तर पदवी, पुराण ग्रंथान आदृत्य आचार्य पदवी इति पदवी द्वयम् उपार्ज्य अमुना विद्वद्वरेण महामंत्र गायत्री सुरा फातिहा चेत्यनेहो अर्थ प्रयोग महात्म्य दिशा तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति विषये अनुसंधान कार्यं कृतम्। तर्हि साधयामः अद्य अमुनैव संस्कृतोपासकेन इस्लामीय विदुषा डॉक्टर हनीफ शास्त्रिणा सह तृतीय संवादम्। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः शास्त्री महोदय। भवान् तु मुस्लिम कुटुम्बी, मुस्लिम कुटुम्बेषु साधारणतया संस्कृतपरम्परा न विद्यते, तथापि भवतां रुचिः संस्कृताध्ययनाय कथं सञ्जाता? अयं तु भगवत्कृपा अस्ति। प्रथमं तु निवेदयामि, संस्कृत भाषायां सम्यक्तया वक्तुं न शक्नोमि अभ्यासं विना, संस्कारोपि नास्ति। तर्हि निवेदयामि बोधगम्य वार्ता हिंदी भाषायां एव कर्तुं शक्नोमि। यथा भवते रोचते। मेरे साथ तो ऐसी एक घटना घटी। अपने परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो प्राइमरी पास हूँ, पांचवी पास। अच्छा। तो शिक्षा दीक्षा का संस्कार हमारे परिवार में तो मेरे लिए था नहीं। हाई स्कूल में जब फेल हो गया तो हमारे एक गुरुजी थे, पंडित लखनलाल शास्त्री नाम था उनका। उन्होंने कहा कि आप जो है एक अध्याय प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ो, भगवत कृपा होगी तो तुम्हें अब कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तब से मैं हाई स्कूल फेल होने से संस्कृत अध्ययन 1970 से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। तो भगवत गीता में ऐसे ऐसे रहस्य मिलते गए तो मेरे अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि वो मैं आम जनता में, साधारण जन समाज तक इन रहस्यमय बातों को कैसे पहुंचाऊं। इस दृष्टिकोण से मैंने, जब तक संस्कृत में मैं खुद पारंगत ना हो जाऊं तो और लोगों को कैसे बताया जा सकता है। सत्यम। तो इस दृष्टिकोण से मेरा संस्कृत में रुचि बढ़ती चली गई। और फिर मैंने संस्कृत से MA PhD पुराणों में आचार्य धर्मशास्त्र, तो इस तरह से काफ़ी कार्य करने का अवसर मिला। और जो वेदों में, उपनिषदों में और भगवद गीता में जो एक वैश्विक संदेश है, मानव मात्र के लिए जो संदेश है और आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो ही नहीं सकता व्यक्ति, इस तरह के संदेश जब वेदों में, उपनिषदों में, भगवद गीता में मिला तो मैं समाज में बांटने के लिए संस्कृत पढ़ना शुरू किया। भवत भी इस्लाम सनातन धर्मयोः साम्यम अवलंब्य गहनम अध्ययनम कृतम्। उभयो धर्मयोः एकेश्वरवादः अथ च पुनर्जन्म अवधारणा द्वय दृशा मत वैभिन्यम विद्यते। भवतां कः विचारः अस्मिन् विषये? इसमें जो विचार है वो अनजाने में ऐसी धारणाएं बनती चली जा रही हैं और समाज में आपस में नफरत सिर्फ अनजाने में होता चला जा रहा है। सनातन धर्म जो है वो वैश्विक धर्म है, पूरे विश्व का सनातन तत्व ज्ञान एक ही है। जैसे दो और दो चार होता है तो उसको अरबी में कहें तो, संस्कृत में कहें तो,
अंग्रेजी में कहें तो, जर्मन में कहें तो, दिल्ली में कहें तो, कलकत्ता में कहें तो, लंदन में, तो दो और दो चार ही होगा। सत्य। ठीक वैसे ही सनातन तत्व ज्ञान जो है वो एक ही है। अरबी भाषा में जो कुरान शरीफ है उसका तो भगवद गीता से ऐसा तालमेल है, जबकि दोनों में दो युगों का अंतर है। भगवद गीता द्वापर का है, द्वापर युग का है, और वर्ष में लीजिए तो 3500 साल का अंतर है। लेकिन एक जैसी बातें, एक ईश्वरवाद के लिए जो बात कही जा रही है आपसे, तो कुरान जो है सीधे बोल, सूरह हामीम सजदा 41 नंबर का सूरह है, इसमें जो है सूरह हामीम सजदा में सीधे कुरान का कहना है कि मा यकालू लक इल्ला कद कील ली रुसुली मिन कबलिक, ए रसूल मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, वही पुरानी बातें जो पहले के रसूलों के जरिए समाज को दी जा चुकी है उसी पुरानी बातों को दोहराई जा रही है। ठीक भगवद गीता का 4th अध्याय का पहला से लेकर 4 श्लोक तक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त्वान अहम अव्ययम, तो इसका बिल्कुल सीधे वही अरबी का अर्थ और संस्कृत का, स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, वही पुरानी बातें तुम्हारे सामने दोहराई जा रही है, बिल्कुल एक जैसी। पूरे 700 श्लोक में भगवद गीता में एक श्लोक मुख्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी लोग जानते हैं, है ना। इस्लाम ने उसी को अपना आधार बनाया और उसी एक परब्रह्म परमेश्वर के आगे झुकने की सलाह दी, झुकने की शिक्षा दी और व्यवस्था की, और उसी बात को जो यहाँ भगवद गीता में बात कही जा रही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो इसमें स्वीकारोक्ति, ये नमाज में स्वीकारोक्ति, इन्नी वज्जहतु वज्जिय लिल्लजी फतरस समाबाते, हे प्रभु हम आप ही के ऊपर ध्यान कर रहे हैं और आप ही को नमन कर रहे हैं, दुनिया के सारा प्रपंच से हट करके, दुनिया के सारा ऐशो आराम को छोड़ करके हम आप ही के शरण में अपने आप को डालते हैं और आप ही की इबादत करते हैं, उसी की स्वीकारोक्ति बात है। तो इस्लाम और सनातन परंपरा जो है, सनातन धर्म तत्व जो है, बिल्कुल एक है, बस भाषा का अंतर है। ये सनातन तत्व ज्ञान जो है शाश्वत ज्ञान है, ये पुराना हो ही नहीं सकता। प्रभु कहते हैं ना, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, अव्यय बात है ये सनातन तत्व ज्ञान, इसी का अनुकरण करना चाहिए। तो इसी को अनुकरण करने वाला जो व्यक्ति है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने कहा कि ओम इत्येक अक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, स प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका फिर आगे 8th अध्याय के 16वां श्लोक में प्रभु बोलते हैं, गीताया तो उसमें बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मा से लेकर सृष्टि में जितने भी देवी देवता लोग हैं सबकी एक तो मृत्यु निर्धारित है और दूसरे सब के सब पुनरागमन आवागमन के चपेट में फंसने वाले लोग हैं। लेकिन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, इस धारणा को इस्लाम मानता है, इसलिए पुनर्जन्म की संकल्पना ही नहीं रखा है। ये तो तथ्यम तो एकमेव, एकमेव तथ्यम अस्ति। अपि नमाज शब्दस्य व्युत्पत्ति अपि संस्कृत भाषातः। आम, नमाज तो फारसी भाषा अस्ति, अरबी भाषायां तो सलात कथ्यन्ते जना, सलात,
और फारसी भाषायां नमाज नमस शब्दस्य नमस तो सस जुसोरुह से नमरु हो गया, रुत्व विसर्जनीय से नमः हो गया। तो ये वही बताया मैंने आपको कि नमाज से तात्पर्य है कि हम अपने मालिक के आगे नमः नमन करते हैं, झुकते हैं। नमाज से तात्पर्य नमस्य भाव। हाँ, नमाज शब्द अपि संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा एव अस्ति। प्रसंगे अस्मिन्नेव ज्ञातुम् इच्छामि भारते मुस्लिम हिंदू मतावलंबी जनेषु भ्रातृत्वम् अथ च मिथो विश्वासः वर्धेताम् अस्याम दिशायां कीदृशः प्रयासः स्युः। इस्लाम शब्दस्य हिंदी भाषायाम अर्थ अस्ति समर्पण, सरेंडर, अपने मालिक के आगे सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। यह निर्देश भगवद गीता में मिलता है, यत करोषि यत जुहोषि यद अश्नासि ददासि यत यत तपस्यसि अर्जुन तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ठीक यही उपदेश, यही संदेश, यही निर्देश पैगंबर मोहम्मद साहब को मिलता है। कुल इन्ना सलातु व नुसुकी व ममातु व अहियाया लिल्लाही रब्बुल आलमीन। कह दो लोगों को कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा त्याग, मेरा कर्तव्य जो भी मैं करता हूँ, और मेरी जिंदगी और मेरी मौत उसी परमात्मा की है, बिल्कुल एक जैसा। पूरे देश देशांतर में यह बात फैले और लोग जाने कि हम सब एक हैं। धन्यवाद महोदय, अस्माभिः साकं सारगर्भितं ज्ञानान्वितं रुचिकरं च संवादं संस्थापनाय नमो नमः। अहम् अपि पुनर्नमामि। धन्यवाद। ऋचे वेदकुराणयोः समन्वयं विधाय नूनम् अतिसारल्येन सर्वधर्मसमभावः शिक्षितः अमुना महाभागेन। दर्शकाः, एवमेव सरलसुगमपद्धत्या संस्कृतशिक्षायै समर्पितास्ति अस्मदीया संस्कृतशिक्षणकक्षा। तत्र उपगम्य संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासस्तु बहु सरलः इव प्रतिभाति। नमस्कारः। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। पूर्वकक्षायां वयं संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः, अद्य पुनः तस्यैव पुनरभ्यासः। अद्य वयं किञ्चित् इतोपि इत्यनयोः शब्दयोः अभ्यासं करिष्यामः। सम्यक्। किञ्चित् इतोपि, अहं किञ्चित् जानामि, इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि, अहं किञ्चित् पिबामि, अहं किञ्चित् पीतवान्, इतोपि पातुम् इच्छामि, अहं किञ्चित् पठितवान्, पुस्तकं पठितवान्, इतोपि पठितुम् इच्छामि, इतोपि पठितुम् इच्छामि, अहं किञ्चित् संस्कृतं ज्ञातवान्, इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि, इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि। तर्हि भवन्तः वाक्यप्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति? सम्यक् करोतु। अहं किञ्चित् वार्तावलीं दृष्टवान्, इतोपि वार्तावलीं द्रष्टुम् इच्छामि। सम्यक्। इतोपि वार्तावलीं द्रष्टुम् इच्छामि। मम पार्श्वे किञ्चित् धनम् अस्ति, इतोपि प्राप्तुम् इच्छामि। इतोपि प्राप्तुम् इच्छामि। सम्यक्। अहं किञ्चित् आङ्ग्लभाषां जानामि, इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि। अन्यः? अहं किञ्चित् फलं खादामि, इतोपि इच्छामि। इतोपि इच्छामि। अहं किञ्चित् फलं खादामि, खादितवती, इतोपि इच्छामि। अहं पीतवती, इतोपि इच्छामि। अहं पठितवती, इतोपि इच्छामि। यथा किञ्चित् इतोपि, तथैव अस्ति चेत् नो चेत्, अस्ति चेत् नो चेत्, श्रमः अस्ति चेत्, श्रमः अस्ति चेत् तर्हि साफल्यं भवति, यदि नो चेत् नैव भवति, नो चेत् नैव भवति।
पुस्तकम् अस्ति चेत् ददातु, पुस्तकम् अस्ति चेत् ददातु, सम्यक्। फलम् अस्ति चेत् खादतु, अस्ति चेत् खादतु, नो चेत् अहं गच्छामि, नो चेत् मा खादतु, नो चेत् मा खादतु, अस्ति चेत् नो चेत्, अस्ति चेत् ददातु, नो चेत् गच्छतु क्रीडतु, अस्ति चेत् भोजनं, भोजनम् अस्ति चेत् खादतु, नो चेत् गच्छतु, यथा संस्कृतं पाठयतु, नो चेत् अहं गच्छामि, सम्यक्। साम्प्रतम् एकं गीतं, विद्या अस्ति चेत् स्वाध्यायं करोतु, नो चेत् भविष्यति तस्यास्तु ह्रासः, नो चेत् भविष्यति तस्यास्तु ह्रासः, धनमस्ति चेत् उपयोगं करोतु, धनमस्ति चेत् उपयोगं करोतु, नो चेत् भविष्यति ते पश्चातापः, नो चेत् भविष्यति ते पश्चातापः, किञ्चित् करोति, किञ्चित् करोति, इतोपि कुर्यात्, इतोपि कुर्यात्, कला अस्ति चेत् अभ्यासं करोतु, कला अस्ति चेत् अभ्यासं करोतु, नो चेत् भविष्यति तद्विस्मृतिस्तु, नो चेत् भविष्यति तद्विस्मृतिस्तु, किञ्चित् च विज्ञः, किञ्चित् च विज्ञः, इतोपि भूयात्, इतोपि भूयात्, किञ्चित् च लभते, किञ्चित् च लभते, इतोपि प्राप्यात्, इतोपि प्राप्यात्, समयोस्ति चेत् सत्कार्यं करोतु, समयोस्ति चेत् सत्कार्यं करोतु, नो चेत् भविष्यति दरिद्रता तु, नो चेत् भविष्यति दरिद्रता तु। शोभनं, सम्पन्ना इयं कक्षा, आगामि सप्ताहे पुनः मेलिष्यामः, तावत् पर्यन्तं नमस्कारः। गवीश, ज्ञानेन सहैव अस्ति चेत् मनोरञ्जनमपि, तर्हि मोदो मे द्विगुणताम् एष्यति। जानेऽहं त्वदीयं मनोरथं, तदर्थं चैव अत्र विधीयते अस्मदीयस्पर्धागीतस्य स्मारणं। दर्शकाः, मन्ये स्मर्यते भवद्भिः गीतमिदम्? मोहम्मद् रफी द्वारा गीतम् इदमेव अस्ति अस्मदीयं साम्प्रतिकं स्पर्धागीतम्। राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। दोस्ती इति चलचित्रस्य गीतमिदं भवद्भिः दर्शकैः गीतानुकूलमौलिकानुवादपूर्वकं जुलै मासे 31 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयम्। निर्णयघोषणञ्च तदनु आगस्ट् मासे 5 दिने करिष्यते। गीतानुवादेन सह यथा पूर्वं भवद्भिः सर्वैः वार्तावली विषयकाः स्वकीयानुभवाः अपि पौनःपुन्येन प्रेषणीयाः। इदानीं च वर्तमानसप्ताहे सम्प्राप्तानां भवदीयानुभवसूचकपत्राणाम् उल्लेखवेला। वेङ्कटरमणः गङ्गुः साधुवादपूर्वकं लिखति यत् प्रतिसप्ताहम् अहम् औत्सुक्येन प्रतीक्षे वार्तावलीं, भवद्भिः प्रयुज्यमाना सरलसुबोधभाषा रोचते मे। इयञ्च मादृशेभ्यः संस्कृतस्य नवाभ्यासकेभ्यः नूनमेव सुगमा प्रतीयते। कृतार्था अस्ति वार्तावली अस्मदीय दर्शकाणां स्नेहसिक्त प्रतिक्रियाभिः। सुष्ठु भणितं, स्नेह वृष्टिरेषा वार्तावली कृते सुफला सिद्ध्येत इत्येव काम्यते मया। साम्प्रतञ्च प्रयातव्यमस्ति अस्माभिः अङ्कमेनम् उपसंहृत्य। मान्याः दर्शकाः, संस्कृतदिवसः आसन्नोऽस्ति, तदर्थं किं किम् अनुष्ठीयते उपकल्प्यते वा भवद्भिः? यथाकालम् अस्मभ्यम् अवश्यं सूचयन्तु। वयमपि च प्रयामः संस्कृतदिनसम्बन्धिनाम् आयोजनानां पूर्वोपकल्पनाय। शुभं भवतु, नमो नमः। वन्दे Thank you.
Thank you.